जी नमस्कार जी, राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे जी। तो आज जा रहे हैं हम अपने ससुराल, तो शादी है हमारे जो जेठ जी हैं उनकी बेटी की शादी है, वहीं पे जा रहे हैं। तो चलते हैं फिर अपने हिमाचली ससुराल में, हरियाणा से हिमाचल में चलते हैं। तो तैयार हो चुके हैं जी, और बस कंघी करनी रही है, पैकिंग शैकिंग हो चुकी है। क्या आएंगे तो उनके साथ ही निकलेंगे। अनु उसमें पानी डालना बेटा, डाल दो। तो देवरानी भी जाएगी, उसके उनके बच्चे भी जाएंगे, मम्मी पापा जी रहेंगे घर पे, और बड़े वाला बेटा जो ये भी घर पे रहेगा, ये आएंगे सुबह। तो चलते हैं हम जी अपने ससुराल, हमारी बिटिया रानी की शादी है। तो जी यहाँ पे तैयार श्यार हो चुके हैं, और ननद दीदी भी आ चुके हैं, देवरानी भी आ चुकी हैं। तो चाय वगैरह बनाई थी वो पी है, चाय क्या दूध ही गर्म किया था बेटे ने, तो वो पिया है, सभी को दिया है। तो बस सब चलते हैं हम शादी में, आप लोगों को भी ले चलते हैं अपने हिमाचली ससुराल। और तबीयत मेरी अभी भी ठीक नहीं है, जब मैं वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ तो आवाज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दें, इग्नोर करें। तो यहाँ पे बस स्टैंड पे हम पहुँच चुके हैं, गाड़ी यहीं पे ही खड़ी करते हैं, क्योंकि घर के पास हमारे गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, इतनी स्पेस नहीं है कि गाड़ी खड़ी कर सके। तो बस यहाँ पे जो हमारा ये गांव का बस स्टैंड है, वहीं पे ही गाड़ी खड़ी की है। और दीदी जो दीदी जी मेरी नन दीदी है, उनकी गाड़ी में सुबह बड़े वाला बेटा मेरा देवर पापा जी ये आएंगे, और हमारी गाड़ी में हम सभी जाएंगे, जितने भी हम जा रहे हैं हम शादी में। तो चलिए जी फिर गाड़ी में बुक हो जाते हैं, और निकलते निकलते ना काफ़ी टाइम हो गया हमें, हमें था कि हमें जल्दी निकलना है, लेकिन वही आप लोगों को पता ही है घर का काम जो होता है, और फिर जैसे ननद दीदी भी आने थे तो इनका भी हमें इंतज़ार करना था, तो इसी चक्कर में काफ़ी लेट हो गया है। और जैसे घर की शादी है तो फिर जल्दी भी पहुंचना चाहिए, अच्छा भी नहीं लगता कि मेहमानों की तरह अपने टाइम टू टाइम जाएँ, तो सोचा था जल्दी निकलेंगे, लेकिन वही। और ये देखिए मौसम, चारों तरफ कोहरा जो धुंध पड़ी हुई है, यहाँ पर पहाड़ों में कुछ ज़्यादा ही होती है, तो वैसे प्लेन इलाके में ज़्यादा होती है, पहाड़ों में कम होती है, गलती से बोल दिया मैंने, क्योंकि पहाड़ों में वैसे इतना गंदा मौसम नहीं होता है, लेकिन जैसे आजकल मौसम बरसात का हो रहा है, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी होती रहती है, तो उसी चक्कर में ही ज़्यादा मौसम ख़राब हो रहा है। तो सभी लोग बैठे हुए हैं, हम गाड़ी में पहुंचने ही वाले हैं, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है, क्योंकि जो मेरी वीडियो देखते हैं, जो मेरे व्लॉग देखते हैं, उन्हें तो पता ही होगा जहाँ पे हमारे हिमाचली ससुराल हैं, तो वही घंटे का रास्ता भी नहीं होगा, उससे कम ही होगा, थोड़ा पहाड़ी रास्ता है तो इसलिए थोड़ा मुश्किल होता है, प्लेन में इतनी दिक्कत नहीं होती, पहाड़ी रास्तों में उबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं ना, उसमें तो थोड़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे देखिए जो ये कच्ची सड़क है, नीचे की तरफ हमारे ससुराल के गांव की तरफ जा रही है, तो काफ़ी नीचे ढलान में जाकर है हमारे जो ससुराल गांव है। तो यहाँ पे पहुँच चुके हैं हम। चलो ये भी बहुत है कि यहाँ पे गाड़ी आ जाती है, जब हमारी शादी हुई थी तब यहाँ पे सड़क का नामो निशान भी नहीं था, तो अब तो यहाँ पे गाँव में ही पहुँच जाती हैं गाड़ियाँ वगैरह। तो यहाँ पे बस हम पहुँच चुके हैं, और देखते हैं जितना भी वीडियो हो सकेगा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बनाने की कोशिश करूंगी, तो बने रहिए जी वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें जी, शेयर कर दें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो यहाँ से चलते हैं फिर पैदल, सामने जो दिख रहा है वो टेंट है, पहाड़ों में टेंट वगैरह लगाने की भी दिक्कत होती है, यहाँ तो चलो खेत है, कई जगह पे तो खेत भी नहीं होते हैं, ऐसे सीढ़ी नुमा खेत होते हैं ना, वहाँ पे टेंट वगैरह नहीं लगाए जा सकते। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा कर दिया है इन्होंने, सड़कें वगैरह कच्ची ही है लेकिन फिर भी सड़क निकल चुकी है, और गाँव में अच्छी सुविधा हो गई है, यहाँ पर हर चीज़ गाँव में पहुँच जाती है, पहले मुश्किल था, दवाई लेने भी जाना होता था तो मुश्किल होता था इतनी दूर से पैदल आना जाना। तो बस यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं जी अपने ससुराल में, हमारा जो हिमाचल ससुराल है,
रहते हैं, हम हरियाणा में हैं, लेकिन जो हमारा हिमाचली ससुराल है, अच्छा लगता है कभी कभी। देखो रोज़ तो नहीं आया जाता, लेकिन कभी कभी जब आते हैं ना और अपने साथ में इकट्ठे हों पूरा परिवार, तो अच्छा लगता है। और वैसे भी जैसे कुछ प्रोग्राम फंक्शन वगैरह हो कुछ, तभी आया जाता है, डेली डेली नहीं आया जाता है, क्योंकि बच्चों के स्कूल होते हैं और कभी स्कूल से छुट्टी हुई तो बच्चों के ट्यूशन होते हैं, तो उसी के चक्कर में। और ये है हमारी चाचा जी की बेटी, हमारी नन दीदी, और इन्हीं के पीछे जो ये मेरी देवरानी ये वाले, और अपने इनके दो बेटियां हैं, उन्हीं को ही तैयार कर रही है। तो सभी अपने तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि जिनके घर शादी है, हमारे जेठ जी की जो बेटी है उनके घर, वैसे तो हम एक बार जा चुके हैं उनके घर, आते ही पहले उन्हीं के घर बैठे थे हम, लेकिन अब दोबारा से फिर जाएंगे, फिर खाना वगैरह भी खाना है। तो बस काफ़ी देर हो गई है हमें यहाँ पे बैठे बैठे, और मेरी देवरानी दोनों अपनी बच्चियों को तैयार कर रही है, और ये है नंद बेटी, नंद दीदी की बेटी। तो सभी लगे पड़े हैं जी अपने तैयारी श्यारी में। गांव में होता ही है देखो, काम भी होता है, पशुओं की देखभाल करनी, पुनः घास चारा वगैरह लाना, बहुत काम होते हैं गांव में। पहाड़ी जो जीवन होता है ना, ये बहुत मुश्किलों भरा होता है। और मैं यहाँ पे ना अपने झुमके जो है वो चेक करी, मैंने कभी डाले भी नहीं है, पहली बार ही डाले हैं ऐसे। कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, जो मेरी फुल वीडियो देखते हैं तो वो बताएं, ताकि मुझे तभी पता चलेगा ना जब आप कमेंट करोगे कि भाई कौन देख रहा है। और यहाँ पे हंसी मजाक भी चल रहा है। दोबारा से आए हैं हम टेंट में, क्योंकि जिसकी शादी है उसके साथ भी डांस करना तो बनता है। तो बस यहाँ पे सभी लगे हुए हैं, थोड़ा बहुत हमने भी किया है, मैंने और देवरानी ने। सच बोलूँ तो हमें डांस करना नहीं आता, ना मुझे आता ना मेरी देवरानी को, लेकिन ये होता है कि चलो देखा देखी सबके साथ थोड़ा बहुत करना तो बनता ही है जी। खुशी का माहौल है तो इंजॉय तो करना होता ही है। तो चलिए जी फिर इस वीडियो का यहीं पे ऐड कर देते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर पूरा वीडियो बनाती तो फिर काफ़ी लंबा हो जाता, तो जो भी अगला जो भी वीडियो आएगा वो अगले व्लॉग में ही आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जैसे ही हम डांस करने लगे ना, एकदम से डीजे
Thank you.